दोस्तों, मारुति सुजुकी ने अपने स्विफ्ट मॉडल के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया है, जिसकी एक्सोल कीमत है 5,73,000 से 8,27,000 के बीच। इस गाड़ी में कुछ बदलाव किए गए हैं जो इस गाड़ी को और भी खास बनाते हैं। चलिए इस वीडियो में इन बदलावों को एक एक करके जानते हैं कि वो क्या क्या बदलाव हुए हैं। एक्सटीरियर वाइज बात करें तो सबसे पहला जो बदलाव किया गया है वो इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर की ग्रिल में किया गया है। पहले इस गाड़ी में जो ग्रिल दी जाती थी वो एक लीनियर पैटर्न में या लाइनिंग पैटर्न में दी जाती थी, लेकिन नई स्विफ्ट में क्रॉस मैश पैटर्न की ग्रिल के बीचों बीच एक क्रोम की बोल्ड लाइन दी गई है, जो गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। ग्रिल में हुए इस बदलाव के कारण गाड़ी की लंबाई 5 mm ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी के केबिन स्पेस में कुछ बदलाव हुआ है। वो एज इट इज पहले जैसा ही रहेगा। गाड़ी में ऑटो फोल्ड ORVMs भी इस बार दिए गए हैं, जो पहले की स्विफ्ट में नहीं थे। एक्सटीरियर में केवल ये 3 ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव है मल्टी कलर्ड इन्फो डिस्प्ले, जो टॉप एंड वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। यह एक मल्टी फंक्शनल फीचर के साथ आया है जो इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं मिलता। टॉप एंड वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा और गाड़ी के फ्रंट 2 सीट्स को ज़्यादा स्पोर्टी लुक के साथ डिज़ाइन किया गया है और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो स्मार्ट प्ले स्टूडियो दिया गया है विद फेदर टच रेस्पॉन्स। इंजन की बात करें तो गाड़ी में 1197 cc का के सीरीज़ का ड्यूल जेट VVT इंजन है, जो 88.50 BHP की पावर जनरेट करेगा। 2020 की स्विफ्ट के मुकाबले 6.70 BHP ज़्यादा पावरफुल है। टॉर्क की बात करें तो 4400 RPM पर 113 Nm का टॉर्क जनरेट होगा, लेकिन पहले यही टॉर्क 4200 RPM पर जनरेट होता था। नई स्विफ्ट 2021 वर्जन में आपको एक और आकर्षक फीचर मिलेगा, जो है इडल स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी। मीन्स अब गाड़ी अगर रेड लाइट या ट्रैफिक में फंसी हो तो कार का इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर जैसे ही क्लच दबाएंगे इंजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना कमाल का फीचर। अब बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की। तो ये जो अभी आपने इडल स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी के बारे में सुना, इसी के कारण गाड़ी का माइलेज भी 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक ज़्यादा बढ़ चुका है। गाड़ी में जो पहले स्विफ्ट थी उसमें हमको 21.21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलता था, लेकिन अब 2021 की स्विफ्ट में हमें लगभग 23.76 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स में भी कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं। ड्यूल एयरबैग और ABS विद EBD के साथ साथ इस बार ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट, ये 2 सेफ्टी वाइज फीचर्स ऐड हुए हैं। और गाड़ी के कर्व वेट की बात करें तो गाड़ी के कर्व वेट में इस बार लगभग 25 kg एक्स्ट्रा ज़्यादा कर्व वेट हुआ है, जो 2020 की स्विफ्ट में लगभग 855 kg से लेकर 880 kg के बीच हुआ करता था, लेकिन अब ये 2021 की स्विफ्ट में 875 से लेकर 905 kg हो गया है। कलर्स ऑप्शंस की बात करें तो हमें 2020 में 6 कलर्स अवेलेबल मिलते थे। उनमें से है पर्ल मेटालिक ल्यूसेंट ऑरेंज, मेटालिक सिल्की सिल्वर, मेटालिक मैग्मा ग्रे, सॉलिड फायर रेड, पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू, पर्ल आर्कटिक वाइट। इन्हीं 6 कलर ऑप्शंस के साथ अब हमको 3 ड्यूल टोन कलर भी मिलेंगे। रेड कलर विद ब्लैक रूफ, वाइट कलर विद ब्लैक रूफ, ब्लू कलर विद वाइट रूफ। ये ड्यूल टोन कलर ऑप्शंस आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। इन्हीं बदलावों के साथ गाड़ी के प्राइस रेंज में भी बदलाव हुए हैं, जो कि आपको वेरिएंट्स वाइज 15,000 से लेकर 24,000 अधिक पे करने होंगे। आपको जहां पहले 5,49,000 से शुरू होकर 8,02,000 तक स्विफ्ट मिलती थी, लेकिन अब आपको यही स्विफ्ट बदलाव के साथ साथ 5,73,000 से शुरू होकर 8,27,000 तक मिलेगी।
दोस्तों कैसी लगी आपको ये नई स्विफ्ट, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।